आ जाते हैं। तो बच्चों की आर्टिस्टिक स्किल डेवलपमेंट के लिए ये वर्कशॉप रखी जाती है। तो उस वर्कशॉप में जो एक सबसे बड़ी कला आती है वो आती है कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी एक बहुत ही नेचुरल फ्लेवर और बहुत ही सोलफुल और मासूमियत से आती है। इसकी कोई इतनी टेक्निक नहीं होती, लेकिन इसमें एक अपना एक फियरलेसनेस होती है, एक अपनी ऑब्जर्वेशन होती है। तो इससे ज़्यादा लीजेंड कौन हो सकता है आजकल लिविंग लीजेंड जहाँ कपिल शर्मा से। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स की बहुत इच्छा थी, काफ़ी दिनों से मुझे कह भी रहे थे, और मैंने फिर कपिल जी को एक रिक्वेस्ट की और उन्होंने बहुत जल्दी मान लिया। उनको सुभाष जी मैं जरूर आऊँगा किसी और स्टूडेंट से मुखातिब करूँगा। ओके, कपिल सुभाष जी का भी मुझे जेन्युइनली ये लगा कि जैसे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कोई अभी जस्ट स्कूल से पास आउट है और कॉलेज से पास आउट होके, क्योंकि उनको अपना फोकस क्लियर है कि हमें इस फील्ड में जाना है, किसी को डायरेक्शन में जाना है, किसी को एडिटर बनना है, किसी को एक्टर बनना है। तो एक तो इनकी मैच्योरिटी देख के इस एज में वही बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग रहा है। आई वॉज 27 ईयर ओल्ड व्हेन आई इलेक्टेड फॉर ए रियलिटी शो विच वॉज लाफ्टर चैलेंज। मुझे ये लगा कि यार 26-27 साल तक मैंने कभी कोई डिप्लोमा करने की सोची नहीं। मैं थिएटर करता था और वो भी अमृतसर में, जिसका कोई हमें कुछ पैसे नहीं मिलते थे, हम लोग शौक से ही करते थे। तो 26-27 साल तक शायद उससे भी आगे करता रहता मैं, वो अलग बात है। डेस्टिनी ने कुछ अलग प्लान किया था, तो मैंने मेरी सिलेक्शन हो गई लाफ्टर चैलेंज में, सो मैं वहाँ पे विनर बना। उसके बाद शोज करने शुरू करते, पैसे कमाने शुरू हो गया। ये तो मेरे दिमाग में ये आया नहीं था, मुझे खाली शौक था। पर इन स्टूडेंट्स को देख के लगता है कि वो बहुत ही क्लियर है। अगर और अगर किसी को एक्टर बनना है, जैसे अभी मुझे एक लड़का मिला तो वो एडिटिंग भी सीख रहा है, जो कि बड़े ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं। इन चीज़ों को आप अगर साथ लेके चलें, बीइंग ए एक्टर, अगर मुझे कैमरा का पता है, अगर मुझे ये पता है कि जितना मुझे चाहिए, जितना मैंने परफॉर्म किया इतना काफ़ी है सीन के हिसाब से, अब यहाँ से एडिटर संभाल लेगा, ये सब चीज़ें बड़ी हेल्प करती हैं आपको निखारने में। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली कोई इनको बताने नहीं कुछ आया था, बल्कि उनसे भी कुछ जानने आया था कि ये किस तरीके से काम करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी क्राफ्ट हैं, जितना भी डिपार्टमेंट्स हैं, सब यहाँ पे एक परफेक्ट बना के उसको पास आउट होता है यहाँ पे स्टूडेंट। तो अच्छा लगा आज देख के, क्योंकि हमारी किस्मत में नहीं था कि हम इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ सकें, तालीम ले सकें। तो भगवान के भरोसे आ गए तो चलो हो गया, पर अगर आप तालीम ले कर निकलते हो तो मे बी आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर होता है। वो तब मस्ती में हम लोगों ने काफी एपिसोड में बातें करी थी। वो मेरी कहानी आप मुझसे सुनिए ना, अलग से वो सुनाइए प्लीज सर। नहीं, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। कपिल, हाउ वाज इट, हाउ डिफरेंट वाज दिस एक्सपीरियंस, नॉट ओनली ऑफ कॉमेडी विद द लाइव ऑडियंस के सामने, ये अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कितना इजी था ये आपके? सर मुझे तो, मैंने बताया ना कि ये खाली ये जैसे सर ने भी कहा कि फेयरलेस होना जरूरी है कुछ चीज़ों में। मुझे पता था कि मैं अगर विस्लिंग वुड में जा रहा हूँ, यार हमारे हिंदुस्तान के बड़े इंस्टीट्यूट्स में से एक है, और मैं ऐसा क्या बोलूँगा कि स्टूडेंट्स को लगे कि इस बंदे के आने का कुछ फ़ायदा है। हालांकि मुझे ऐसा लगा है कुछ भी नहीं अभी भी, क्योंकि ये खुद भी स्टूडेंट बन गए ना। पर यही है कि हाँ, सीखना तो जारी रहता है। हाँ, मेरे जो एक्सपीरियंस है बींग ए उनसे उम्र में अगर बड़ा हूँ मैं, तो कम से कम मेरे साथ जो हुआ है तो मैं उनके साथ ये शेयर कर सकता हूँ, भाई मैं तो इस तरीके से आया कॉमेडी में, या एक्सीडेंटली कह दो। पर हाँ, अगर आपको सीरियसली उसको अपनाना है, ऑब्वियसली आपके अंदर तो होता ही है, तभी आपको पता चलता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। पर मुझे अच्छा लगा सबसे मिलके भी, और मैं दोबारा आना चाहूँगा। पूरा सब डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को मिलना चाहता हूँ। मुझे खुद ही बड़ा शौक है, मैं अपनी फिल्म में भी जब जाता था तो अपना ख़त्म हो जाता, लाइटिंग होती थी तो मैं जाके अपने कैमरामैन के साथ बैठ जाता था कि क्यों ऐसी लाइटिंग क्यों कर रहे हो, यहाँ से क्यों दे रहे हो, ये क्या है। तो मुझे शौक है एक्चुअली। यू थिंक कॉमेडी एज एन आर्ट इज अंडर अप्रिशिएटेड इन इंडिया, क्योंकि अवार्ड्स में भी अगर कुछ अवार्ड होता है तो बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल दिया जाता है। एक जो एक्टर बहुत अच्छा कॉमेडी करता है उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड बहुत ही कम दिया जाता है। हां, एक्चुअली ये है, ये फैक्ट है एक्चुअली। ये हमारे देश में ऐसा होता है कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल क्यों है? मतलब अगर आप उसने एक अच्छा किया तो उसको पर एनीवे सर, अवार्ड्स मुझे लगता नहीं है, ये जनता डिसाइड करती है। जो जनता आपकी फिल्म को थिएटर में प्यार दे देती है ना, उससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं है। और आजकल अवार्ड वोट ये क्या, मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता हूँ। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ना मिले तो और भी अच्छा है।
तो मैं तो वैसे ही अवार्ड शो में इतने पैसे लेके जाता हूँ कि मुझे अवार्ड दो ना दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। केबीसी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। हालांकि उनसे पहले मैं अपने शो में एक बार उनके साथ एक एपिसोड शूट कर चुका था तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल था। और बच्चन साहब ऐसे हैं भी, वो सामने वाले को कंफर्टेबल कर देते हैं कि उनको भी पता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, अगर मेरे सामने कोई बैठा है तो ये नर्वस हो रहा होगा, तो वो पहले कंफर्टेबल कर देते हैं, दो तीन जोक मार के ना आप पे, फिर आदमी ऐसे हो जाता है। वो ऐसे ही जैसे टेक्निकल चीजें हो जाती है वैसे ही शेयर किया था मैंने। ओके सुभाष जी, अंदर जिक्र किया गया इस बात का भी कहीं कि कपिल यहां कॉमेडी क्लासेस भी देंगे, तो क्या कुछ ऐसा प्लान है कहीं? देखिए बात से बात बनती है, बातों से बात बनती है, इसी तरह से आस्ता आस्ता हम शेयर करते हैं दूसरे में कि कभी चाहे पोएट्री की क्लास हो या एक्टिंग की क्लास हो या ड्रामेटिक की क्लास हो या कॉमेडी की क्लास हो, क्योंकि जब आप स्पेशलाइजेशन पे शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने कहा ना कि एक्टिंग यानी कॉमिक रोल, एक्टर इज ए वर्सटाइल पर्सन जो कि सब रोल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन जो है ड्रामेटिक्स में होते हैं, कुछ कॉमेडी में होते हैं, कुछ विलेनेस में होते हैं, जैसे हमारे नाट्यशास्त्र में भी कहा जाता है नायक खलनायक जिगुर्शक सब होते हैं। तो इस तरह की क्वालिटी जो बच्चा डेवलप करना चाहता है उसके लिए भी अगर हमारे पास कोर्सेज हों या क्लासेस हों और कपिल जी जैसे आए वहाँ पर, तो बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा एक योगदान होगा इनके लिए। नहीं सर ऐसा नहीं है, मुझे कोई भी कभी एक लाइन ऐसा आज तक मुझे बताइए कि एक बार भी मुझे बताइए कि जब कपिल जी ने किसी के बारे में ऑफेंसिव बोला कोई भी। हाँ वही मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी एपिसोड निकालिए आप मेरे को निकाल के बताइए कि आपने यहाँ पे किसी की बेइज्जती की। और आपने देखा होगा कि उसमें भी एक बड़ा अफेक्शन है, जैसे एक परिवार का भाई दूसरे भाई को बोलता है, अगर आपने देखो ऑफेंसिव क्या होता है जिस वक्त दूसरा किसी कोई हर्ट हो जाए, हर्ट को गाली दे के जाए, लेकिन अगर वो खुश हो जाता है यूसी, तो आपने देखा होगा कि इनके हर व्यंग में भी हर तंज में भी एक अपना अफेक्शन है, कंपैशन है, दैट इज द ब्यूटी, दैट इज व्हाई दिस शोज आर द मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया फॉर सो मेनी इयर्स। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब हम कॉमेडियंस भी करते थे तो 2000 की वेटिंग रहती थी कि हम आपके शो में आना चाहते हैं, तो ये वही लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता जब मैं किसी को बोल रहा हूँ किसी ने जेब में हाथ डाला तो वो बात कर रहा है सर, तो मैंने कहा जेब में क्या कर रहे हो, तो ये कोई बेइज्जती नहीं है। तो मैं अगर इसको बोलता हूँ कि अच्छा तेरा पेट बड़ा हुआ है तो तेरी नाभि दिख रही है मुझे दोनों बटन्स में से, तो वो थोड़ा अंदर खींच लेता है, तो वो बेइज्जती नहीं होता है सर, वो मजेदार चीज़ होती है। आप क्यों ऐसा करो? नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। बिल्कुल, इस जैसा आर्टिस्ट अगर किसी भी डायरेक्टर को मिलेगा तो वो फिल्म जो है अपने में कितनी एक हवा कितनी एक ब्रीज लेकर आएगी आप इमेजिन कर सकते हैं। वी मस्ट हैव ए गुड स्क्रिप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस एंड दैट्स हाउ वी कैन थिंक अबाउट इट, क्योंकि सब चीज अल्टीमेटली स्क्रिप्ट की होती है। आपका शो द न्यू शो वो भी बहुत चर्चा में है और काफी कामयाब भी रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, टीआरपी जितनी उम्मीद करी गई थी उतनी नहीं है। टीआरपी आई कहां अभी? टीआरपी आई नहीं अभी, एज पर द रिपोर्ट्स। तो टीआरपी रिपोर्ट्स कौन सी सर? रिपोर्ट्स तो मानता नहीं, सोशल मीडिया तो सर ये चीज देखिए, आप भी कहीं जब भी कभी बदलाव होता है किसी भी, चाहे वो राजनीति में हो, सोशल में हो, ड्रामा में हो, स्टेज में हो, सिनेमा में हो, जब भी कोई चीज बदलाव होता है उसको पहले से नकारते हैं, फिर दो तीन एपिसोड के बाद आप देखेंगे ये उससे भी ज्यादा बड़ा पॉपुलर होगा, मैं आपको आज बता सकता हूँ। जी सर, अपने ट्विटर इंडिया की जो हेड है, कौन सा ऐसा आज टॉपिक है जिसमें मिक्स ओपिनियन नहीं है? मैंने कल ट्विटर इंडिया की जो हेड है जिंदल, उन्होंने उनकी इंटरव्यू पढ़ा, उन्होंने कहा कि मतलब जब IPL शुरू हुआ तब भी इतने ट्वीट्स नहीं आए जितने लाखों ट्वीट्स इस शो के पहले दिन ओपनिंग में आए। उनकी इंटरव्यू मैंने तो नहीं दी नहीं, नाम उनको जानता हूँ। सो मिक्स रिपोर्ट्स जो आप कहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोल ही देता है। कोई पेपर में कहते हैं कि जिस दिन हमारा शो आया उस दिन बोलते हैं अरे TRP वॉज नॉट लाइक दैट इज प्रीवियस शो। तो भाई मैं उनकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, इतने बड़े बड़े पेपर चलाते हो, TRP अगले हफ्ते आती है,
सेम डे आती भी नहीं है पिक्चर. यार मेरा ना शूट है अभी. इंजॉय करो, खाओ पियो, जो होना था.